भाई मैं रोटी लेने जा रहा था और मुझे अपनी खाला जो है नजर आ गई, अभी अभी आई है, इतनी देर से क्यों आया? थैंक यू सो मच, आप मेरा इंतजार कर रहे थे। एक्चुअली मेरी जो है ना, मेरी नन आ गई थी अचानक। ये नंदे भी ना एंड टाइम पर आती हैं। नंदे भी बड़ी एंड टाइम पर आती हैं, उन्हें पता है कि भावच को जाना था। हमारे बन चुके, हमें बन गए ना भाई, थोड़े से रह गए हैं जरा, ये भी पाए वगैरह बन रहे हैं, तो अभी मैं जा रहा हूँ रोटी लेने, रोटी और बर्फ ले आता हूँ, फिर मैं जाके। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आपको पता है बकरा ईद तो चली गई है, बहुत ज़्यादा सन्नाटा हो गया है, सारी गायें वगैरह जो हैं कट गई हैं, तो फिर आपको पता है बकरा ईद के बाद क्या सीन होता है, घर में होती है दावत। तो आज हमारे घर में दावत, तो अभी सब मेहमान आ रहे हैं, हमारी अम्मी जो है पाए वगैरह बना रही हैं, तो मैं सोच रहा हूँ बस अभी जाके नहा के जो है कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ। बकरा ईद का व्लॉग मैं आपको प्रॉपर दिखा नहीं पाया था, क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा बिजी था, हमारी काव वगैरह कटी, शॉर्ट वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप देख लिया कैसे हमारी काव कटी है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमारी अम्मी आज जो दावत में जो बना रही हैं, वो पाए बना रही हैं, तो चलते हैं फिर अम्मी के पास। हाँ भाई, अम्मी क्या कर रही हो फिर? प्याज काट रही। हमारी अम्मी देख रहे हैं आपके प्याज काट रही हैं, और अम्मी ने चूल्हे पे जो है पाए बनने के लिए रख दिए हैं। अम्मी देख लूँ? तो अम्मी तो बहुत गर्म हो रहा है। पाए आप देख सकते हैं बन रहे हैं, फिर आज घर में दावत है हमारे, अचार गोश भी बना रही हूँ अम्मी, अचार गोश भी बना रही हैं उसके साथ, देख सकते हैं पाए बड़े मज़ेदार बनने वाले हैं, सबकी दावत करी है आज। तो फिर फटाफट जल्दी से अम्मी बना लेती हैं, अभी प्याज वगैरह काट रही हैं अम्मी, तो फिर हम आपसे मिलते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं। तो भाई अब मैं आके बैठ गया हूँ, अम्मी जो हैं खाने की तैयारी कर रही हैं, प्याज वगैरह काट रही हैं, तो बस अब मुझे जो है चेंज करने आना है, पहले मैं नहाऊँगा, फिर कपड़े वगैरह निकालें, जल्दी से चेंज करने जाते हैं, फिर जो है फटाफट तैयार होना, फिर सब मेहमान आ जाएंगे तो फिर सही से तैयार नहीं हो पाएंगे, फिर बस मैं अब तैयार होने जा रहा हूँ। तो भाई आपका भाई जो है नहा के तैयार हो चुका है, और अब जो सीन है, अब देखते हैं क्या सीन है, क्या करना है। अम्मी बोल रही हैं कि बर्फ़ लिया, और बर्फ़ ले आता हूँ, फिर रोटियां भी लानी है, आपको पता है मेहमान तो भी कुछ लोग आ गए हैं, और कुछ लोग जो हैं अभी आने से रह गए, तो ये बाल बड़े ख़राब होते हैं। अभी अभी बिल्कुल बस मैं नहा के निकला हूँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ बर्फ़ लेने, बर्फ़ वगैरह ले आते हैं, फिर खाना वगैरह लगेगा, रोटी भी लानी है, तो रोटी लेने भी मैं जा रहा हूँ। ओके, तो भाई मैं रोटी लेने जा रहा था, और मुझे अपनी खाला जो है नजर आ गई, अभी अभी आई है, इतनी देर से क्यों आया? थैंक यू सो मच, आप मेरा इंतजार कर रहे थे। एक्चुअली मेरी जो है ना, मेरी नन आ गई थी अचानक। ये नंदे भी ना एंड टाइम पर आती हैं। नंदे भी बड़ी एंड टाइम पर आती हैं, उन्हें पता है कि भावच को जाना था, जाना मगर आज वो आ गई। ये मेरी मां, मगर मैं घबराती नहीं हूँ नंदों से, ना मेहमान नवाजी से, माशाल्लाह बहन का आना था, फिर भी मैंने उन्हें कबाब, कच्चे कीमे के कबाब खिला के, चपातियाँ मैंने बाजार से मंगवा ली थी, काम बहुत फैला हुआ था घर में, मगर मैं फिर भी माशाल्लाह से जल्दी आ गई हूँ, मेरे भांजे ने मुझे इनवाइट किया है पाए पे, तो बस मैं अभी रोटी लेने जा रहा हूँ, फिर रोटी ले आऊँ ना पाए खाने ना। हाँ खाना है, क्यों नहीं खाना, मजेदार, पाए की खुशबू भी बहुत आ रही है, और मेरा भांजा गरम गरम नान लेने जा रहा है, और बहनों का इंतजार हो रहा है, और खाना भी अभी आने वाली है। देखे मैं सब्जी में लेट हो गई, माशाल्लाह हमेशा की तरह मैं जल्दी आ गई हूँ, और 10 मिनट में रेडी होकर आई हूँ, माशाल्लाह आप मुझे देख सकते हैं कि कितनी अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच, ये मेरे भांजे की नजर का कमाल है ना, हाँ अम्मी इतनी खूबसूरती, मगर ये शुक्र है ये माशाल्लाह अच्छी है, और अब देखिए पाए की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और भूख जो है हमारी बढ़ रही है, हालांकि खाए था 6 बजे खाना, मगर फिर भी खुशबू से रहा नहीं जा रहा, अब देखेंगे खा के कि कैसे। ये मुझे वो लग रही है उनसा की अम्मी, अब देखते हैं कैसे बनाती है मेरी सिस्टर पाए, बनाती तो बहुत हमेशा अच्छी ही बनाती है, और इंशाल्लाह आज के भी अच्छे होंगे, और फिर हम सब खाएंगे, एंजॉय करेंगे, और आपको पता है पाए किस तरह से खाए जाते हैं, और आप सब जो है ना, नहीं नहीं हम तो वैसे तमीज से ही खाएंगे इंशाल्लाह, बल्कि ये खाने का मजा पाए, आपको पता है कैसे खाने का मजा है। चलिए आप ये जो है हमारे लिए रोटियां लेने जा रहे हैं, और रोटियों के साथ कोल्ड ड्रिंक भी आने वाली है, तो मैं जा रहा हूं, सब लोग इंतजार कर रहे हैं शिद्दत से, अब जाऊं ना मैं, जाऊं ना जाओ। तो भाई अब मैं जा रहा हूं रोटियां लेने, फिर फटाफट से रोटियां ले आते हैं, फिर जो है हम लोग आते हैं, फिर हम खाएंगे पाए और आप लोगों को दिखाते हैं। थैंक यू।
सुखी बन गए ना भाई, थोड़े से रह गए हैं जरा, ये भी पाए वगैरह बन रहे हैं, तो अभी मैं जा रहा हूँ रोटी लेने, रोटी और बर्फ ले आता हूँ फिर मैं जाके। गाड़ी स्टार्ट कर। तो भाई रोटियां वगैरह जो है रयान भाई और मैं लेके आ गए, तो अब खाने की तैयारी है, चलना फिर रयान भाई खाना वाना खाते हैं ना, तो बस फटाफट हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। वो आपको मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि मैं बहुत गंदे तरीके से पाए खाता हूँ, तो इसलिए मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, जा रहा हूँ मैं खाना खाने, खाना खाने के बाद आपसे मिलते हैं। जिसकी वजह से बैकग्राउंड में ना जो है हमारा शोर आ रहा है, पेट भरना नहीं मिल रहा, मजेदार थे ना भाई, बहुत मजेदार थे, बहुत टेस्टी थे, हम आपको पूरी वीडियो दिखा देंगे, आप लोगों को बहुत देर और हम सब ऐसी तरह से आते रहे, आप लोग हमें बुलाते रहे, आप लोग हमारे यहाँ भी आइएगा इंशाल्लाह, नेक्स्ट व्लॉग तो होना वो हमारे घर का ही होगा, हमारे घर पे जो दावत होगा मैं आपको सब चिरान कर रहे थे वो बोले हमें भी लोग हमें उनको नहीं दिया, तो अभी हम जब आपको प्रॉपर दिखा नहीं पाए, जो भाई वगैरह आए थे हमारे वन बाय वन करके सब आपको दिखाएंगे, जो जो बनेगी आप लोग को हर चीज हम लोग दिखाएंगे इंशाल्लाह, कमिंग संडे मेरी दावत होगी इंशाल्लाह। तो फिर आपसे वहाँ मिलते, यही था हमारा छोटा सा ब्लॉग, उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद हमारे ब्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह अल्लाह हाफिज़।